हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एग्रीकल्चर चैनल एंड यूट्यूब क्रिएटर स्पेशल सीरीज एपिसोड 7। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि 1K सब्सक्राइबर्स आप लोग अचीव कर चुके हैं, तो उसके बाद आपके क्या स्टेप्स रहने वाले हैं, आपको क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, तो उस सब के बारे में इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। बट उससे पहले मैं आप लोगों को एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहूंगा जिसका नाम है सिमटास प्लेटफॉर्म। और ये बेसिकली ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप लोग अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग्स ले सकते हो। यहाँ पर ये लोग आपको काफ़ी सारी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कराते हैं। और ये जो प्लेटफॉर्म है ये सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है और सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल प्लेटफॉर्म है, क्योंकि यहाँ पर केवल $5 आपको देने हैं और उसके बाद आपको बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो अनलॉक हो जाएंगे। और साथ ही साथ में आपको लाइफ टाइम एक्सेस दे दिया जाएगा, तो आप लोग उन कोर्सेज को कभी भी जाकर विजिट कर सकते हैं। और जिस तरीके से मैं अपनी वीडियोस के थ्रू आप लोगों को यूट्यूब के बारे में चीज़ें बताता रहता हूं, और यूट्यूब क्रिएटर स्पेशल सीरीज जैसे कि नहीं चल रही है, इसी टाइप से यहां पर बहुत सारे कोर्सेज होते हैं और काफ़ी डिफरेंट चीज़ें ये लोग बताते हैं, काफ़ी सारी टिप्स वगैरह देते हैं। और साथ साथ में आपको यूट्यूब के अलावा और भी प्लेटफॉर्म्स के बारे में टिप्स दी जाती है, फेसबुक पर आप अपने आप को ग्रो कैसे कराएं, या फिर और भी जितने भी प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, या फिर आप अगर ऑनलाइन बिजनेस करते हैं तो उसके लिए भी आपको हेल्प करता है। तो आप लोग इस प्लेटफॉर्म को चेकआउट कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो गो एंड चेक इट आउट। फिलहाल अभी हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ और मैं आपको बताता हूँ कि आप 1K सब्सक्राइबर्स अचीव करने के बाद क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है थैंक यू वीडियो। जब मैंने एपिसोड 5 डाला था तो वहां पर मैंने बताया था कि आप 100 सब्सक्राइबर्स अचीव करने के बाद थैंक यू वीडियो जरूर डालें। और इसी तरीके से आपको 1K सब्सक्राइबर्स अचीव करने के बाद भी सबसे पहला स्टेप यही उठाना है कि आपको एक थैंक यू वीडियो डालनी है अपनी सब्सक्राइबर्स। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप आपको लेना है वो है अपलोडिंग न्यू लोगो एंड न्यू बैनर। तो यहाँ पर मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपकी आइडेंटिटी को आपको थोड़ा सा मतलब और ज्यादा इम्प्रूवाइज करना है। आपका जो पहले लोगो था उससे और ज्यादा थोड़ा सा मतलब ट्राई करिए कि और ज्यादा आप बढ़िया बना सकते हैं, तो उसे आप कस्टमाइज कर लें। और इसी तरीके से आप लोग अपनी बैनर इमेज को भी चेंज करिए ताकि मतलब एक ऐसा फील आए कि हाँ मतलब कुछ बहुत ज्यादा आपने अच्छी अचीवमेंट की है। और उसके बाद आपने उसका दूसरा वर्जन जो है वो लॉन्च कर दिया एक तरीके से, तो इस टाइप की जो प्रेजेंस आएगी वो इसी तरीके से आ सकती है कि आप लोग नया लोगो डालें और नया बैनर इमेज लगाएं। उसके बाद जो कुछ नए फीचर्स दिए जाते हैं YouTube की तरफ से, उन्हें आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से यूज करना है, जैसे कि कम्युनिटी टैब एंड लाइव फीचर। तो यहाँ पर आपको कम्युनिटी टैब का फीचर दिया जाता है जहाँ पर आप अपनी पोस्ट को शेयर कर सकते हैं। आप लोग कम्युनिटी टैब को बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं, वहाँ पर आप अपने फोटोज और GIFs डाल सकते हैं, और साथ में जो आपकी कुछ लेटेस्ट मतलब आप वीडियोस लाने वाले हैं उसके बारे में थोड़ी सी अनाउंसमेंट दे सकते हैं, या फिर मतलब कुछ भी इस टाइप का जो भी आपको अनाउंसमेंट वगैरह करनी है या कुछ मतलब आपने अचीव किया है तो उसके बारे में आप वहाँ पर बता सकते हैं। तो इस सब चीज़ों के लिए आप लोग कम्युनिटी टैब को बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं, और YouTube ने आपको फीचर दिया तो आपको इसे यूज़ ज़रूर करना चाहिए। और इसी तरीके से जो लाइव का फीचर होता है उसे भी आप लोगों को यूज़ करना चाहिए, क्योंकि एक बार मतलब आप लोगों के लिए थोड़ा सा टेस्टिंग भी हो जाएगी और उसके बाद आप लोग थैंक यू भी बोल सकते हैं लाइव में जाकर अपने सब्सक्राइबर्स को। तो एक मतलब 1K स्पेशल लाइव आप कर सकते हैं वहाँ पर, और इससे मतलब आप लोगों को थोड़ा सा इजीली एंगेजमेंट मिल जाएगा कि आप लोग इजीली इंगेज हो पाएंगे अपने व्यूअर्स के साथ, और वो लोग जो भी मतलब कुछ पूछना चाहते हैं आप लाइव में पूछ सकते हैं और आप लोग उनका आंसर दे सकते हैं। इसीलिए आप लोगों को इन दोनों फीचर्स को जरूर चेकआउट करना है। और इस तरीके से और भी 2-3 फीचर्स यूट्यूब जो प्रोवाइड कराता है 1K सब्सक्राइबर्स होने के बाद, बट ये जो 2 थे ये मेन थे, तो मैंने आप लोगों को इनके बारे में बताया है। नेक्स्ट यहाँ पर ट्राई टू इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ द वीडियो। इसके बारे में मैं पहले भी बात करता हूँ अपनी वीडियोस में कि आप लोगों को थोड़ी सी अपनी क्वांटिटी अब जो है इंक्रीज कर देनी चाहिए। तो मान लीजिए आप पहले 2 वीडियोस जो अभी की अपलोड कर देते तो आप 3 कर दीजिए, क्योंकि अब ऐसा टाइम आ चुका है कि आप मोनेटाइजेशन के काफ़ी ज़्यादा क्लोज पहुंच चुके हैं, तो उसको अचीव करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मतलब जितनी ज़्यादा आप अपलोड्स करेंगे उतनी ज़्यादा आपको फायदा होगा इसमें, क्योंकि उतना ज़्यादा आपको वॉच टाइम गेन होने वाला। नेक्स्ट है यहाँ पर क्रिएटिंग सोशल मीडिया प्रोफाइल्स। तो इसके बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ कि आप लोगों को अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स क्रिएट कर लेनी चाहिए, बट स्टिल बहुत सारे लोग होंगे जो अभी तक नहीं बनाई होगी जिन लोगों ने, बट उन लोगों को भी अभी बना लेनी चाहिए, क्योंकि अब ऐसा राइट टाइम आ चुका है कि आप लोग अब इसके बाद में मतलब ऐसा नहीं सोच सकते कि अब हम आगे जाके और आगे जाके बना लेंगे। तो ये जो है ये बिल्कुल राइट टाइम है, आपको बना लेनी चाहिए, वरना कोई और आप लोगों का यूजर नेम ले सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पर इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ द कंटेंट। तो अब आप लोग 1K सब्सक्राइबर्स अचीव कर चुके हैं, तो आप लोगों को थोड़ा सा क्वालिटी पे और ज़्यादा ध्यान देना होगा कि बिल्कुल भी मतलब कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए वीडियो एडिटिंग के टाइम पर भी और किसी भी चीज़ में। तो इन सब चीज़ों को और ज़्यादा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपके पास 1K ऑडियंस यानी कि 1000 लोग आपकी वीडियो देखते हैं, और
मतलब 1000 से भी ज्यादा देखते होंगे या फिर थोड़े बहुत कम देखते होंगे, क्योंकि सब्सक्राइबर्स लाइव व्यूअर्स को इक्विलेट नहीं कर सकते, यानी कि आपके 1000 सब्सक्राइबर्स हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके 1000 व्यूज ही होंगे एक वीडियो पर या फिर उससे ज्यादा होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि सब्सक्राइबर्स हमेशा ऐसा होता है कि कुछ लोग आपके जानने वाले में होंगे जो सब्सक्राइबर्स होंगे, बट वो आप लोगों की वीडियो रोज नहीं देखते, तो इस टाइप से मतलब। और बाकी लोगों के इंटरेस्ट थोड़े से अलग अलग होते हैं, जैसे कि मैं अपने जो चैनल है मेरा उस पर मैं डालता हूँ, टेक न्यूज़ भी डालता हूँ और भी स्मार्टफोन से रिलेटेड वीडियो डालता हूँ, और अब ये यूट्यूब क्रिएटर स्पेशल सीरीज चल रही है, तो हर किसी के इंटरेस्ट एक जैसा नहीं होता, तो इसलिए कभी भी आपके सब्सक्राइबर्स आपको इक्विलेट नहीं कर पाएंगे आपके लाइव व्यूअर्स में, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बट आपको अपनी वीडियो की क्वालिटी ज़रूर इंक्रीज करनी है, और जो भी आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं उस टाइप से ट्राई करिए। नेक्स्ट है यहाँ पर मेक यू मोर सर्चेबल। तो मैंने पहले भी कहा था आप लोग YouTube पे अपने आप को सर्च में लाइए, आप लोग अपने चैनल को सर्च पेज पर लेके आइए, और इसी तरीके से आप लोगों को Google पर भी ध्यान देना है कि आप लोग Google पर सर्च करने पर आते हैं या फिर नहीं, इसलिए अब आपको Google सर्च पेज पर भी फोकस करना है। आप लोग अपने चैनल नेम को टाइप करिए वहाँ पर Google पर और देखिएगा आपका जो चैनल है वो कहाँ पर आ रहा है, कौन सी पोजिशन ले रहा है, या फिर आपकी और भी कुछ वेबसाइट्स वगैरह है तो उन्हें भी वहीं पर लाने की कोशिश करिए और अपने आप को थोड़ा सा और ज़्यादा प्रेजेंटेबल बनाइए। नेक्स्ट जो टिप है उसको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप है, तो वो है सब्सक्राइब टू माय चैनल, यानी कि आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि मैं और इसी टाइप की वीडियोज आपके लिए लेकर आता रहूंगा, तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए। नेक्स्ट है यहाँ पर बाय नेसेसरी इक्विपमेंट्स। तो अब आप लोगों के पास 1000 लोगों की ऑडियंस है, तो अब आप लोगों को ध्यान देना चाहिए कि आप लोग टूल्स क्या क्या बाय कर सकते हैं इंपॉर्टेंट, तो इस बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, आई नो। अगर आप लोगों को माइक की ज़रूरत है तो माइक बाय करिए, ट्राईपॉड की ज़रूरत है ट्राईपॉड बाय करिए, और इन सब चीज़ों के ऊपर मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं, और बाकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा कौन सा माइक और कौन सा ट्राईपॉड वगैरह मैं यूज़ करता हूँ, उस चीज़ को भी आप चेकआउट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। और अब हम आ चुके हैं इस वीडियो के एंड पर, और लास्ट टिप मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ जो कि है बी काम। तो अब आप लोगों को थोड़ा सा काम रहने की ज़रूरत है, पेशेंस रखना है आपको अपने अंदर, क्योंकि अब आप लोग इस पोजीशन पर आ चुके हैं कि आपने 1000 सब्सक्राइबर अचीव कर लिए हैं और बस 4000 बहुत टाइम हो सकता है होने वाला हो, और अगर हो चुका है तो मेरी तरफ से आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आपका मोनेटाइजेशन कंप्लीट हो गया है। बाकी अगर आप लोगों का भी 4000 का वॉच टाइम रह गया है, ज़्यादातर केस में यही होता है कि पहले सब्सक्राइबर्स अचीव हो जाते हैं और बाद में वॉच टाइम होता है, बट कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि पहले वॉच टाइम हो जाता है, बट अगर आप लोगों का भी नहीं हुआ है तो आप लोगों को थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि 4000 जो आर्ट्स का वॉच टाइम होता है वो कई बार लोगों को थका देता है कि पता नहीं मतलब हो ही नहीं रहा, बहुत ज़्यादा मतलब अभी रह गया है गैप, तो इस चीज़ को आपको मतलब थोड़ा सा पेशेंस रखना है। और मैंने जो कहा था कि आप लोगों को थोड़ी सी वीडियो की क्वांटिटी बढ़ा देनी चाहिए, तो उससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, आपका वॉच टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा, और इसी तरीके से आप लोग अगर लाइव फीचर का भी यूज़ करेंगे और लाइव जाएंगे तो उससे भी आपको वॉच टाइम में बहुत ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिलेगा, और मेरे केस में भी सेम यही हुआ था, मैंने जब से लाइव थोड़ा सा मतलब 2-3 लाइव करी थी उस टाइम पर, और थोड़ी सी वीडियो की क्वांटिटी मैंने इंक्रीज कर दी थी, और जहाँ तक मुझे ध्यान है मैंने शायद वीक में 7 वीडियोस ही डालना शुरू कर दिया था तब उस टाइम पर, और मतलब ऐसा 1-2 हफ्ते किया था और उसके बाद फिर वॉच टाइम भी कंप्लीट हो चुका था। तो इस टाइप से आप लोगों को वीडियो क्वांटिटी इंक्रीज करनी है और लाइव जाते रहना है, तो उससे आपको वॉच टाइम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए।